मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। मैं हूं विकास चाया, सीजीएल 2022 का ऑल इंडिया रैंक 7। और देखो, इस वीडियो में हम ना बहुत मेन इश्यूज है जिनके बारे में बात करेंगे। मतलब ये वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि देखो इससे पहले मैं सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वाइज वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें एक जीएस की भी थी, ठीक है, जिसमें मैंने सब बता दिया आपको कि इकोनॉमिक्स कहाँ से करनी है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो सब कुछ बता दिया ऑलरेडी। बट काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आया कि जो लूसेंट है ना, वो लूसेंट को देख के काफ़ी डर लगता है। मतलब कि वो है पतली बट उसको करने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है। एक पेज पढ़ते हैं, दो पेज पढ़ते हैं, फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। कैसे पढ़ें, मतलब लूसेंट को पढ़ना कैसे, या मनोहर पांडे कोई भी बुक होगी, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ना, दे आर ऑल फैक्ट्स। अब फैक्ट्स याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी जो भी रह गया उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड चीज, अब देखो यार, रैंक 7 आ गई है मेरी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि जीएस तो आसान होती है, मेरी होगी थी, आप लोग भी कर लो। चीज़ें आसान नहीं होती, मेरे लिए भी नहीं थी, किसी के लिए नहीं थी, ठीक है। चीज़ें टफ होती हैं, बट मैं आपको देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं, जीके में 25 क्वेश्चन आए थे ना मेंस में, मेरे को 12 तो श्योर शॉट आते थे। वो ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने फर्स्ट टाइम किया, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे और टिक मार दिया, मुझे आते थे श्योर शॉट। उसके बाद 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ की, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सेकंड पार्ट में, ठीक है। और 10 में से आप मानोगे 7 सही थे मेरे, तो 19 क्वेश्चन मेरे सही हो गए 22 में से 19। तो एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रही कि जब मैंने PYQ किए थे ना, तब मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ किया था, बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ सीख के ट्राई करोगे, वही चीज़ आप एग्जाम में लगा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ के बारे में आज सुन लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे और एग्जाम में जाकर लगाने की कोशिश करोगे, नहीं लगा पाओगे, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में ये मेन वीडियो रहेगी हमारी, लूसेंट कैसे पढ़ना और ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना है। तो एंड तक बने रहना, देखो आपके फायदे के लिए वीडियो है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। अब देखो, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे टफ सब्जेक्ट जो जिसको माना जाता है वो है हिस्ट्री। मेरे लिए तो था, देखो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये बात, रैंक आ गया, डेट डजेंट मीन कि मैं बोलूँ चीज़ें आसान है, नहीं होती चीज़ें आसान। तो हिस्ट्री में मेरे को टफ लगता था, तो मैंने क्या किया, जैसे हम साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बाइफ्रिकेट करते हैं ना, तो मैंने हिस्ट्री के 3 सब्जेक्ट मान लिए। मैंने हिस्ट्री को एज ए सिंगल सब्जेक्ट कभी ट्रीट नहीं किया, मैंने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया हमेशा। कभी नहीं माना कि वो हिस्ट्री एक चीज़ होती है, मैंने मान के रखा। हालांकि उनमें लिंकेज है, बट कोई बात नहीं, वो चीज़ें हो जाएंगी बाद में। बट ध्यान रखो, हिस्ट्री को आज से 3 सब्जेक्ट में ट्रीट करना शुरू करो, फिर तो हो जाएगी। देखो यार, अगर एक सब्जेक्ट समझ के सोच के पढ़ना शुरू करोगे ना, कि आज हिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे, 10 दिन तक पढ़ते रहोगे और 10 दिन बाद सारा पढ़ा हुआ भूल जाओगे और यूँ सोचोगे यार टाइम खराब कर दिया, जीके से डरना शुरू कर दोगे। उस डर को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे 90 पेज में एलुसेंट में अराउंड हिस्ट्री कि एंशियंट के आई थिंक 40 होंगे, 20 मेडिवल के होंगे और 30 ऐसा कुछ होगा, 20 उसके होंगे, 20-25 उसके ऐसा कुछ है, मतलब टोटल नहीं मुझे पता कितना है उनका, एग्जैक्ट कितना है। तो उसको ब्रेक कर लो, आज से ही मान लो कि एंशियंट हिस्ट्री अलग थी, मेडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। सेकंड, डिफिकल्ट एंड इजी सब्जेक्ट्स शुड बी डन अल्टरनेटिवली। देखो होता क्या है, हम क्या स्टार्ट करते हैं, पहले पेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करना ना यार बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जीएस में। मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ, कभी नहीं स्टार्ट करते एंशियंट हिस्ट्री से, हमेशा ना आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। आसान सब्जेक्ट एज इन, जैसे मेरे को पॉलिटी सबसे आसान लगती थी, क्योंकि मैं उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाता था कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो सब कुछ है, ठीक है। तो क्या करो, एक आसान चैप्टर से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर उसके बाद उसके PYQ लगा लो, फिर एक मुश्किल सब्जेक्ट कर लो, फिर पता है क्या, आसान सब्जेक्ट करने के बाद ना एक इंटरेस्ट बन जाता है कि जीएस मैं कर सकता हूँ। पॉलिटी करके मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जीएस कर सकता हूँ। फिर मैंने एक मुश्किल सब्जेक्ट उठा लिया, कुछ भी उठा लो, जैसे मेडिवल हिस्ट्री उठा लो, जैसे मुझे हिस्ट्री मुश्किल लगती थी तो मैं मेडिवल हिस्ट्री को मुश्किल ही मानता हूँ, चाहे अब मुझे आसान लगती हो करने के बाद। तो मेडिवल हिस्ट्री करने के बाद मेडिवल के PYQ कर ले। अब मैं मुश्किल सब्जेक्ट करके आया हूँ ना, तो एक हैवी वर्कलोड वाला काम करके आया हूँ, तो इसके बाद मैं एक आसान सब्जेक्ट ले लेता था। जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आसान लगती थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान लगती थी, बायो थोड़ी मुश्किल लगती थी, तो इसके बाद मैं फिजिक्स कर लूंगा, ठीक है। तो देखो, मैंने इस तरीके से अल्टरनेट टॉपिक्स लिस्ट बना रखी थी अपनी, कि मैं किसके बाद क्या करूंगा, मतलब मैंने यही फॉलो किया। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लूसेंट आसान कैसे लगेगी। उसको टुकड़ा, देखो यार, अगर तुम पहाड़ तोड़ने की सोचोगे ना तो डर जाओगे, बट अगर तुम सोचोगे ना कि आज 1 फुट तोड़ूंगा, कल 1 फुट तोड़ूंगा, तो शायद आप तोड़ भी लोगे। तो हमेशा बड़ा, कभी भी लाइफ में बड़ा टारगेट सेट करो ना, तो हमेशा उसको अचीव करने के लिए छोटे 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 टारगेट्स बना लो, और छोटे छोटे टारगेट्स अचीव किया करो, फिर बड़े टारगेट तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने पॉलिटी की, फिर मैंने मेडिवल कर ली, मेडिवल मेरे लिए मुश्किल थी, फिजिक्स आसान थी, कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री मुश्किल थी, कर ली, फिर
केमिस्ट्री आसान थी कर ली, एंशंट हिस्ट्री मुश्किल थी कर ली, ऐसे करके ना मैंने हिस्ट्री करी थी यार। देखो मैं हिस्ट्री से डरता था यार, भागता था बहुत ज़्यादा, बट इस बार कोई ऑप्शन ही नहीं था तो इस बार किया और इस बार सही फ़ायदा हुआ। फिर ज्योग्राफी आसान थी, बायोलॉजी मुश्किल और इंडियन इकोनॉमी, बस लूसेंट से इतना किया देखो मैंने। और ये तरीका रहा, ध्यान रखना लूसेंट में मिसलेनियस टॉपिक दिए हुए हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जो भी टॉपिक्स हैं उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम चैनल पे, अलोंग विद कहाँ से करने हैं सब कुछ मेंशन है उसी एक पेज पे। आप जाओगे ना, मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम पे एक बहुत बड़ा मैसेज पोस्ट किया था जिसमें मैंने आज तक जितने नोट्स बनाए, जितनी वीडियोज अपलोड किए, सबकी सबका हाइपर लिंक बना दिया था। आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, किसी को स्क्रॉल करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं ढूंढते रहते हैं। मैंने अपने पूरे पूरे टेलीग्राम चैनल की ना सारी की सारी समरी एक मैसेज में अपलोड कर दी है, तो आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। एक जहाँ भी क्लिक करोगे नोट्स पे पहुंच जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे वीडियो पे पहुंच जाओगे। स्टैटिक पीडीएफ और उनके सोर्सेज अलोंग विद नोट्स अपलोड कर दिया टेलीग्राम में, ठीक है आप जाके देख लेना, रेफर करना, आपको बेनिफिट होगा। देखो यार लूसेंट में से वर्ल्ड हिस्ट्री मत करना, वर्ल्ड हिस्ट्री इरेलेवेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप कर दो, कोई बात नहीं स्किप कर दो, कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा करना उस चीज का। पीवाईक्यूज आफ्टर ईच चैप्टर आर मस्ट, बिल्कुल यार बिल्कुल। देखो होता क्या है, लूसेंट पढ़ोगे ना जब तुम पहली बार, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो जब तुम पीवाईक्यू करोगे तुम्हें पता चलेगा एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है। देखो एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं मैटर करता कि मेरे को जीके कितनी आती है, ये मैटर करता है कि क्वेश्चन मैं सही मार्क करता हूँ कि नहीं मार्क करता हूँ, चाहे मैं तुक्के से करूँ, चाहे मैं एलिमिनेशन से करूँ, चाहे मुझे आता हो, कुछ भी करता हो, पर सब बराबर है, नंबर तो सबको बराबर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना। तो पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पीवाईक्यू से लूसेंट सप्लीमेंट करनी है, मैं आगे दिखाऊंगा लूसेंट कैसे सप्लीमेंट की है, ठीक है। और पीवाईक्यू देखो जब एक बार लूसेंट पढ़ ली थी सारी और पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गए थे मेरे, उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम पे लूसेंट पे आया था ना, तब तक मुझे क्या पता चल गया था कि लूसेंट में क्या है, पीवाईक्यू में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तब मैंने सेकंड टाइम पे लूसेंट को अंडरलाइन किया था। देखो पहली बारी में आप उस किताब को अंडरलाइन करने लगोगे ना, मान लो मेरी बात, आप पूरी किताब अंडरलाइन करोगे। अब जिसने पहली बारी में अंडरलाइन किया ना वो देखना जरा जाके अपनी लूसेंट, आपने पूरी किताब अंडरलाइन कर रखी है, जबकि पूरी किताब अंडरलाइन नहीं की जाती और आपने कर रखी होगी, इसलिए मैं बोलता हूं सेकंड जो इटरेशन होता है ना उसमें अंडरलाइन किया करते हैं हमेशा। फिफ्थ, नोट्स नहीं बनाने यार, लूसेंट अपने आप में नोट्स है भाई, उसको कितना समराइज करोगे तुम, नहीं बनाने नोट्स, ठीक है। और मैंने किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे अगर आपने देखो, मैंने सिर्फ हिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं, बाकी शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स के तो बना रखे हैं जिनमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आर्टिकल्स में क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता है, शेड्यूल पे क्वेश्चन आता है, रिवर ट्रिब्यूटरीज पे आता है, आपको मिल जाएंगे सब कुछ, टेलीग्राम पे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। बट देखो यार मैं हिस्ट्री से डरता था, अपना डर खत्म करने का क्या तरीका था कि मेरे को लूसेंट के 90 पेजेस ना देखने पड़े, मैंने क्या किया उसके अपने 15 पेज के नोट्स बना लिए, पढ़े हैं वो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो डर खत्म करने का मेरा ये तरीका था, अब तो आपको मेरे नोट्स मिल ही जाएंगे, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, खैर आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, तो मेरा ये डर खत्म करने का तरीका था। बट आप लोग नोट्स मत बनाने बैठ जाना यार लूसेंट के नोट्स नहीं बनते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ उन टॉपिक के नोट्स बनाना जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर्टिकल्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, और शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फीचर्स हो गए, रिवर ट्रिब्यूटरीज होगी, बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम की भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिसीजेज के बना सकते हो, रामसर साइट्स के बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके गिने चुने 10-12 टॉपिक है जिनके आप नोट्स बना सकते हो, जो कि मैं हफ्ते में एक बार देख लेता था और वो क्वेश्चन भी आए उनसे एग्जाम में। सेंसस के नोट्स बना सकते हो अपने, सेंसस पे कितने 2 क्वेश्चन थे आई थिंक, डब्ल्यू वाले में भी थे। तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बनाना जो कि ग्रिलिंग यू फॉर लॉन्ग, मतलब जो सब्जेक्ट काफी लंबे समय से तंग कर रहा है, ठीक है। चलो अब ये मैंने अल्टरनेट टॉपिक्स बता दी। अच्छा जो मैं स्टैटिक टॉपिक्स की बात कर रहा था, ऐसे करके पीडीएफ है ये, तो नो यहाँ सिर्फ नो दिखा रहा है, बट उसके अंदर 15-20 आई थिंक 26 टॉपिक्स होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और देखो साइड में यार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बंदा आपको सोर्स दे रहा है ना एग्जैक्टली, आपको ये भी नहीं करने की जरूरत कि ढूंढू कहाँ से, सर कहाँ से करें, एक एक चीज बता दिए, डांस की पीडीएफ अपलोड कर दी है, फेस्टिवल की पीडीएफ अपलोड कर दी है, नेशनल पार्क आपको बोल दिया लूसेंट से करना है, मैं साफ ही बोल रहा हूँ, देखो जो चीज लूसेंट से करनी है वो लूसेंट से करनी है, रामसर साइट के मेरे नोट्स हैं, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। देखो इसे एक पीडीएफ का लोग प्रिंट आउट कराओ, जो टॉपिक करते जाओ उसका टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, टिक करते जाओ, ये तरीका है स्टैटिक करने का। अपन ने जीएस को 3 टॉपिक्स में ब्रेक किया था ना, एक तो वो जो लूसेंट में है, एक जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, एक करंट है, ठीक है। स्टैटिक का भी सब कुछ दे दिया, करंट का भी दे दिया और उसका भी दे दिया, ठीक है। अब आएगी खास चीज, मतलब मजा आ जाएगा, हिस्ट्री। देखो यार हिस्ट्री से डर लगता है ना, मेरे नोट्स जाके देखोगे ना तुम, तो एक पीडीएफ है सल्तन, एक पेज मिलेगा जिसपे सल्तनत पीरियड है, ठीक है। अब सल्तनत पीरियड में ना 5 डायनेस्टी थी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। मैंने इसका निमोनिक बना लिया SKTSL, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, मैंने ऐसा बना रखा था।
मैंने जो मैंने जीएस वाली वीडियो में बात नहीं की थी कि टाइमलाइन बनानी थी, ये देखो ये होती है टाइमलाइन, ऐसे बनाते हैं टाइमलाइन, ये रही टाइमलाइन, ये शो रही है ना, ये है टाइमलाइन। मैंने क्या किया, स्लेव डायनेस्टी इसका टाइम पीरियड लिख दिया 1206 से 1290, और जो फर्स्ट जो वो है ना क्या कहते हैं, जो मतलब जो भी रूलर है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको ब्लैक से लिख लिया। तो मैंने क्या याद कर रखा था, स्लेव डायनेस्टी किरब, क्या हुआ ये अरबी, किरब। ऐसी खिलजी डायनेस्टी जामक, ऐसी तुगलक का जीएमएफ, ऐसे करके मैंने याद कर रखा था। लोधी का बीएसआई भूलोगे ही नहीं। और उसके आगे मैंने लिख दिया था एफ 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 मतलब फाउंडर, एल मतलब लास्ट रूलर। देखो यार सारी मेहनत मैं कर चुका हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको बने बनाए नोट्स मेरे मिल रहे हैं ना, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सिर्फ सिर्फ तब यूज करना जब आपने लूसेंट ढंग से कर लियो, और लूसेंट नहीं छोड़नी उसके बाद भी, बताऊंगा क्यों नहीं छोड़नी। मतलब मेरे नोट्स पे किसी के भी नोट्स पे 100% रिलाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यार मैंने 90 पेजेस को 15 पेजेस में लाया, तो कुछ पोर्शन तो मैंने काटा होगा ना, और मैं एसएससी का चेयरमैन तो हूं नहीं जो मुझे पता पेपर में क्या आएगा, ठीक है। तो अच्छा अब ये चीज़ आप नोटिस करो यार, ये चीज़ बहुत खास है। देखो क्या है, आप देखो स्लेव डायनेस्टी 1206 में शुरू हुई, 1290 में खत्म हुई, खिलजी 1320 में खत्म हुई, ये 1414 में खत्म हुई, ये 1451 में, और ये 1526 में। मैंने क्या किया, सबके जो खत्म होने वाले लास्ट के दो डिजिट्स है ना वो ऐसे लिख लिए, 90 20 14 51 26। अभी मोबाइल नंबर हो गया 90 20 14 51 26। मान लो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, किसी का भी नंबर मान लो यार जो तुम्हें बंदा पसंद हो, तुम अब तुम्हें याद हो जाएगा, मतलब मुझे याद आ जाता था सल्तनत पीरियड 1206 से शुरू हुआ था, उसके बाद 90 20 14 51 और 26, मोबाइल नंबर याद हो गया 90 20 14 51 26, और SKTSL। कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा यार, कभी कुछ पूछ दे कि ये रूलर किस पीरियड में रूल करता, तो कभी नहीं गलत होगा, किसके बाद कौन आया था गलत नहीं होगा। तो ये होते हैं निमोनिक्स जो आपको बनाने होते हैं, और ये मैंने बना रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो नोट्स डाल रखे हैं डायरेक्टली ले सकते हो, हेल्प कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे क्या दिक्कत है, मैंने डाल दी ऑलरेडी वो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं निमोनिक्स बनाना, निमोनिक्स से लाइफ आसान हो जाती है यार। मैंने ऐसे निमोनिक्स बनाने, मैंने मेहनत करी थी इन पर काफी ज्यादा, बट आपको करने की जरूरत नहीं, जब ऑलरेडी आपके लिए किसी ने मेहनत कर दी है तो आपको क्यों करनी है, सिंपल सी बात है ना। मैं सिर्फ आपको ब्यूटी दिखा रहा हूँ कि आप कितना आसान बना सकते हो चीजें अपने लिए, मैंने कोशिश की थी, आप भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब लूसेंट सप्लीमेंट कैसे करनी है PYQ से, देखो होता क्या है, जब लूसेंट में क्वेश्चन दिया होता है ना, क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है, जैसे मान लो टेम्पल पे क्वेश्चन आया था खजुराहो टेम्पल की चंदेलाज ने बनाए थे, उसके नीचे ना और भी टेम्पल्स दे रखे थे जो ऑप्शन में, उन सबका दे रखा था कि लिंगराज जजति केसरी सन टेम्पल नरसिम्हा देवन, तो मैंने ऊपर वाली जगह पे उसी टाइम लिख लिया था। देखो क्योंकि वही है, SSC ने अगर खजुराहो पूछ लिया तो बाकी भी पूछ सकती है, तो मैं ऐसे क्या करता था, जो ऊपर वाला स्पेस बनता था ना और मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सप्लीमेंट नहीं करते PYQ से, बट कुछ चीजें आपको अपने आप वाइब आ जाएगी कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो चीज मैं ऊपर के स्पेस में लिख लेता था। क्यों लिखता था, क्योंकि जब एग्जाम से पहले मैं रिवीजन कर जाऊंगा ना अंदर, उससे पहले मैं क्या रिवाइज करूंगा, मैं सिर्फ एक चीज रिवाइज कर सकता हूं, मैं सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकता, इसलिए मैं बोलता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि आप रिवीजन कर सको। अगर आप इतनी मोटी बुक पिनेकल रिवाइज करने की कोशिश करोगे ना एग्जाम से पहले, नहीं कर पाओगे भाई, लूसेंट ही कर पाओगे सिर्फ। तो इसलिए सप्लीमेंट करो ताकि एंड में सिर्फ एक किताब बचे जिसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो वो मेरी लूसेंट थी, मैंने उसको ऐसे पूरा सप्लीमेंट कर रखा था, ठीक है। अब यार देखो वही बात है, रैंक 7 आ गई है, कुछ भी बोलूंगा उस चीज का कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको रियलिटी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको अब झूठ बोलूंगा ना और आपको एग्जाम में जाके रियलिटी दिखेगी तो आप लोगों को बहुत बुरा फील होगा कि आपको मिसगाइड किया गया। मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा, देखो अभी क्या होती है। अब ये ना ये पैराग्राफ है, मतलब लूसेंट, मेरी लूसेंट क्या है, मेरी खुद की लूसेंट क्या है, ठीक है। इस बार एक क्वेश्चन आया था जफर खान के ऊपर जिसका आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। अब तुम एक चीज देखो, क्या मैंने अंडरलाइन कर रखा है, नहीं कर रखा, बट क्या मुझे आता था, हाँ आता था। क्यों आता था, जब मेरी हिस्ट्री के नोट्स में जाके देखो कि वहां भी जफर खान का जिक्र नहीं है ना, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, बट देखो ये SSC है, ध्यान रखो यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होगा, तो तुम अंडरलाइन करो ना करो पूरी किताब को रिवाइज करते रहना, बिकॉज क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है स्ट्राइक करनी चाहिए चीजें, बस जफर खान और खिलजी अगर इतना स्ट्राइक कर जाता अलाउद्दीन खिलजी तो हम कर पाते आंसर मार्क उसका, इतना ध्यान रखना होता है। इसलिए मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि मेरे नोट्स या जो मैंने किया वो फुल प्रूफ था, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता यार, SSC एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे GS में कभी कुछ फुल प्रूफ नहीं होता, तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है। मैं तो दिखा रहा हूँ ना यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ, मतलब कि मैंने जो नोट्स बनाए, मैंने जो अंडरलाइन किया, जो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है उससे बाहर SSC ने पूछ लिया, SSC पूछ सकता है ना, SSC को क्या फर्क पड़ता है कि विकास क्या पढ़ रहा है, ये रियलिटी है। तो अंडरलाइन करो, जो अंडरलाइन ना करो भाई उसको भी देखते रहना, दिस इज SSC, कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, 3 नंबर का सवाल गेम चेंज कर सकता है आपकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई भी टीचर मेरे नोट्स हो, कोई भी टीचर अगर हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, कराने दो 1 2 3 बार तो यार कॉम्प्रीहेंसिवली पूरी हिस्ट्री को प्लीज पढ़ लेना, कुछ भी आ सकता है, और एक बार आपने चीजें पढ़ी होंगी ना तो एग्जाम में ऑप्शन देख के स्ट्राइक कर जाएगी, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑप्शन, ठीक है। रियलिटी देख ली आपने, ये बेटर ट्रूथ है यार, मान लो इस चीज को, ये बेटर ट्रूथ है, एक्सेप्ट करो इस चीज को।
अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैसेज करते हैं यार, देखो टेलीग्राम पे सेशन मैं इसलिए होल्ड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बच्चे अनगिनत मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेलीग्राम पे मैसेज कर देते हैं, फिर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। या तो यूट्यूब कमेंट्स में रिप्लाई करो, इस वीडियो के कमेंट्स में जो पूछना पूछो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई बड़ी ही क्वेरी है तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मेरा ये नाम है vikas.am.i, यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। आपको मैं यहाँ ऑडियो में रिप्लाई करूंगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा भी बता देता हूँ, क्योंकि ऑडियो में टाइम नहीं लगता ना, माइक दबाया और फटाफट, और टाइप करने में थोड़ा जोर लगता है। तो यूट्यूब पे थोड़ा सा लिमिटेड, पर आईजी पे मतलब कहीं भी इंस्टाग्राम पे कहीं भी चले जाओ तो मैं रिप्लाई मिलेगा इन दो पे हमेशा, आज नहीं कल नहीं परसों जरूर मिलेगा। देखो चाहे मेरे कितने ही फॉलोवर्स हो जाएं, कितने ही सब्सक्राइबर्स हो जाएं, मैं एक पर्सनल टच देना पसंद करता हूँ चीज़ों को। मैंने कोई अपनी टीम में, मेरी टीम में मैं ही हूँ अकेला यार, मैंने कोई बंदा नहीं रखा हुआ जो कि मेरी रिप्लाई करता है मेरे बिहाफ पे, मैं ही करता हूँ हमेशा। आपको जो भी रिप्लाई मिलता है हमेशा मान के चलो मेरी तरफ से ही मिलेगा, और मैं वो कोई और से किसी और से इसलिए नहीं करवाना चाहता बिकॉज मैं एक पर्सनल कनेक्शन फील करता हूँ अपने जो भी फॉलोअर सब्सक्राइबर या जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, तो मैं खुद ही रिप्लाई दूंगा क्योंकि जो मुझे सही लगेगा। तो आप वो मान लेना, जो चीज़ कही होगी ना वो मेरा ओपिनियन होगा, ये मत सोचना है कि ये किसी और ने लिखा होगा, नहीं वो मैं ही करता हूँ सारी चीज़ों का रिप्लाई। ठीक है, फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लाइव करेंगे हम, मैं सोच रहा हूँ करने की किसी दिन। टेलीग्राम पे हो नहीं पा रहा है, टेलीग्राम पे बच्चे फिर वो पूछ नहीं पाते सवाल एक्चुअली। इंस्टाग्राम पे तो आप कमेंट करते रहोगे, मैं देखता रहूंगा, रिप्लाई करता रहूंगा, टेलीग्राम पे नहीं कर पाते हम। ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट चीज़ देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन। मैंने आपको बताया ना कि 25 सवाल आते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 आते थे, बट भाई वहां से लेके जो मैंने 10 क्वेश्चन और ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट किया ना, जिसमें से मेरे 7 सही हुए हैं, 54 मार्क्स आए जैसे जीएस में, मतलब एमईए दिलवाने में इस ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार देखो हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, हमें ये प्रूव नहीं करना है कि हमें आता है, हमें सही ऑप्शन मार्क करना है, सिर्फ वो मैटर करता है, डजेंट मैटर कि आपको आता है कि नहीं आता, चाहे तुक्के वाले ने मारा हो माना जाएगा कि उसको आता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि PYQ किस बुक से करने हैं। देखो यार मार्केट में एक दो बुक्स ऐसी आती हैं जिसमें ना वन लाइनर GS दी हुई है, दैट बुक इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। मैंने रियलिटी बताई ना आपको, इतनी GS पढ़ने के बाद भी मुझे 12 ही आते थे ढंग से, 10 मुझे इसलिए आते थे क्योंकि मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन प्रैक्टिस कर रखी थी। वो बुक अच्छी नहीं है, जो भी बुक में सिर्फ वन लाइनर आ रहा है ना, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करोगे ना यार ऑप्शन से, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं मानता हूँ बेस्ट बुक है Pinnacle या कोई और बुक जिसके अंदर 7000 मैक्सिमम सवाल होने चाहिए, 7000 से ज़्यादा सवाल किसी भी सब्जेक्ट की PY की बुक में अगर है ना, 7000 या 8000, वो बुक बकवास है यार, मैं साफ ही बोलता हूँ आपको। इतने क्वेश्चंस, इतनी वॉल्यूम करना ना यार, मैं डर जाता हूँ। इतनी मोटी किताबें आ रही है मार्केट में जिनमें 15-15 हज़ार सवाल आ रहे हैं GS के या मैथ्स के, मैं खुद डर जाता हूँ देखे कि यार बच्चे इसको करते कैसे और इसको लेते क्यों है बच्चे, उसको तो दो बार क्या, एक ही बार नहीं कर पाएगा यार, रियलिटी है भाई वो। तो Pinnacle इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेकेंड, हाउ टू प्रैक्टिस विद ऑप्शन, अपन आगे देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन इन GS। GS के एक्सप्लेनेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उससे क्या रहता है, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनके बारे में नॉलेज मिलती है, सप्लीमेंट होने को मिलता है, और काइंड ऑफ रिवीजन भी होती रहती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है बिल्कुल। नोट्स नहीं बनाने यार, सारे दिन नोट्स मत बनाया करो, हर चीज़ के नोट्स बना लेते हो एग्जाम से पहले, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ो और आगे बढ़ो। एक्सप्लेनेशन देखो क्या होता है, जो एक्सप्लेनेशन दी होती है उस एक्सप्लेनेशन में से कुछ एक्सप्लेनेशन तो ऐसी है जो लूसेंट में से डायरेक्ट उठ के आई होगी, जो उसमें होगा, जो एक्सप्लेनेशन लूसेंट में ना दी हो उसको अंडरलाइन कर लिया करो, बेसिकली हो गया सप्लीमेंट हमारा। अब गैस वर्क कब यूज करना है, कब नहीं यूज गैस वर्क यूज करना है, देखो सिंपल सी बात है, जब 4 ऑप्शन है और बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना क्वेश्चन का, 25 थे यार मैंने भी 22 करे, मेरा मन करता मैं भी 3 में और तुक्के मार देता, बट क्या होता है वहां जिस क्वेश्चन में 4 में से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, यानी ए है, बी है, सी है और डी है। मान लो मैंने सी और ए एलिमिनेट कर दिया ना, और बी और डी में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, फिर भी तुक्का मारना है। ध्यान रखो 2 ऑप्शन जिस टाइम एलिमिनेट कर पाते हो ना, तुक्का मारना ही मारना है भाई, हमेशा मारना चाहिए। और अब Pinnacle से यही प्रैक्टिस करनी है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट पकड़ते ही, क्वेश्चन देखते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो, उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचे उनमें कैलकुलेटिव गैस लगाओ, जो तुम्हें इंट्यूशन आ रहा है। देखो अपनी वाइब पे भरोसा करना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना तुम्हारी वाइब स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर अटेम्प्ट करो। अगर 4 ऑप्शन में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भाई फिर नहीं तुक्का मारना, गलत करोगे अपने साथ, चांसेस हैं कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 25% चांस होता है सक्सेस का अगर 4 तुक्के में एक तुक्का ले रहे हो, बट 2 में से 1 ले रहे हो तो 50% चांस है, तो 50% वी कैन टेक। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि गैस कब लेना है, इसलिए 25 के 25 कभी नहीं करते भाई, नेगेटिव में नंबर आ जाएंगे। और रियल एग्जाम में कैसे यूज करना अपन बात करेंगे इसके बारे में। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये मेरे मतलब मैंने अपनी Pinnacle का स्क्रीनशॉट लगाया कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो मनी बिल की डेफिनेशन से डील करता है। अब होता क्या है, देखो मनी बिल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वो बजट से रिलेटेड है, ठीक है, और बजट सबको पता है कि 112 होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये तो बात श्योर होगी थी कि 112 के आसपास आएगा जो आंसर आएगा। तो मैंने देखते ही क्वेश्चन
115 और ये 120 और 100 को काट देना उसी टाइम पे, किसके आसपास तो नहीं होगा। दूसरी बात, मनी बिल है। अब मनी बिल एक छोटी चीज है, बजट एक बड़ी चीज है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे याद किया था कि मनी बिल बजट से पहले आएगा बाद में आएगा, मैंने कैसे याद किया था कि मनी बिल बिल छोटा होता है बजट बड़ा होता है, तो इससे पहले आएगा। अगर पहले आएगा तो 110 आंसर हो जाएगा, 115 नहीं हो पाएगा, ऐसे याद किया था मैंने। तो तुम भी अपना कोई तरीका बना सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 100 के बारे में मुझे पता चला कि जो वोटिंग के बारे में दे रखा है कि कोरम के बारे में है, तो ठीक है, एक नई चीज सीख ली ना यार। लुसेंट में नहीं दे रखा आर्टिकल 100, नई चीज सीख ली। क्वेश्चन में 100 आर्टिकल पूछा जा सकता है ना, तो यही तो चीजें सीखनी है यहां से। जो एक्सप्लेनेशन है इससे हमें चीजें सीखनी है। और 115 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, 120 काफी इंपॉर्टेंट था। लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट, मतलब देखा मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि ये चीजें लुसेंट में नहीं दी हुई। तो मैं कभी दोबारा पिनेकल देखूंगा ना, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, ये वाली पढ़ूंगा जो अंडरलाइन वाली, बाकी वाली नहीं पढ़ूंगा। ऐसे अपना टाइम बचाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम कैसे बचाना है। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको सारे टाइप की चीजें दिखाऊंगा। अच्छा देखो, एक चीज देखो, ये क्वेश्चन ना यहाँ पे ध्यान से देखो, सर्कल किया हुआ है और सर्कल करके रब किया हुआ है। जब मैंने पहली बार पिनाकल की थी, मैंने जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैंने सर्कल किए, मैंने उनसे सीखा। फिर जब मैंने उनको अगली बार किया ना, तो मेरे से सही हो गए अगली बार करने पे, सेकेंड आइटरेशन में, तो मैंने उनको रब कर दिया था, ताकि हर आइटरेशन में ऐसे रब करते गया था मैं, और एंड में कुछ नहीं बचा था, सब क्लियर हो गया था। अब देखो ये क्वेश्चन आया, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगेगा। सबको पता है कि नेशनल सॉन्ग 1950 में गाया गया था या 1948 दिया, तुरंत काट दो। सबको पता है नेशनल फ्लैग 1947 में फहराया गया था, काट दो। दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए थे पहली बारी में, बट ए और बी में तुक्का लेना पड़ेगा, क्योंकि यार ये कॉमनवेल्थ की ना मेंबरशिप रियलिटी है, ये कहीं ना किसी नोट्स में मेंशन नहीं है, नहीं याद होती भाई चीज़, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। सब कुछ लूसेंट में नहीं दिया हुआ, तो वहां से मैंने एक चीज सीखी कि ये 1949 में, अगर इन दोनों में से मेरे को एक तुक्का लेना होता मैं शायद ए लेता बट बी आंसर था, तो मेरा गलत हो जाता। बट मैंने यहाँ भी तुक्का लिया तो मैंने ए लिया था, मेरा गलत हो गया। मैंने बी सीखा और मैंने इसको सर्कल कर दिया, और मैंने यहाँ से ये देखा कि कॉमनवेल्थ जब भी आएगा तो 1949 उसका आंसर होगा, और नेशनल एंथम 1950। एक क्वेश्चन से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है अपने को, इसलिए मैं बोलता हूँ जीएस में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एलिमिनेशन से दो ऑप्शन काट दिए थे, दो में से एक तुक्का लेना था, मेरा गलत हो गया बट आपका सही भी हो सकता था, बट चांसेस तो बढ़ गए ना, यही तो बढ़ाने एग्जाम में। अच्छा, इस क्वेश्चन में अरे खासियत सिखाऊंगा तुम्हें मैं, शायद तुम्हें आती होगी, मोस्टली को आती होती है, बट मैं आपको सिखाता हूँ। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन है। देखो, हम सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट और अटर्नी जनरल है 100 से पहले आ जाते हैं, क्योंकि यूनियन का पार्ट होते हैं ना, तो ये तो आंसर नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट का आर्टिकल भी ना पता हो, जरूरी नहीं आपको पता होना चाहिए, इन दोनों ऑप्शन को देखते एलिमिनेट कर दो। ये 50 के आसपास होता है, ये 76 होता है। ठीक है, अब बचे ये दो। अब एक बात बताओ, अटर्नी जनरल हर कोई याद करता है, एडवोकेट जनरल कोई नहीं, बहुत कम बंदे याद करते हैं। क्यों नहीं याद करते, क्योंकि सोचते हैं स्टेट का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज एक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान रखो, आर्टिकल 111 तक जितने भी आर्टिकल आएंगे सेंटर के, उनसे अगर स्टेट के आर्टिकल पे पहुंचना है, यानी कि स्टेट में अटर्नी जनरल होता है वो 76 होता है, ठीक है, वहां से स्टेट का क्या होता है एडवोकेट जनरल होता है, उस पे जाना है, तो ऐड करो 89, यानी 76 प्लस 89, ये हो गया 165। ठीक है, 165 किसका आर्टिकल हो गया, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल हो गया। याद नहीं करने की जरूरत भाई, कितनी बढ़िया ट्रिक सिखा रहा हूँ। आर्टिकल 111 से पहले जितने भी आर्टिकल आएंगे, वहां से अगर स्टेट के आर्टिकल पे जाना है तो 89 ऐड करो। आर्टिकल 111 के बाद वाले, जो बाद वाले हैं, मतलब 112 जो भी हुए, उसमें अगर स्टेट के आर्टिकल पे पहुंचना है तो 90 ऐड कर देना है। ठीक है, आसपास पहुंचने का तो बेस्ट तरीका है कि 90 ऐड कर दो, बट एग्जैक्ट निकालना तो 111 से पहले वाले के लिए 89 ऐड करो, 111 से बाद वाले के लिए 90 ऐड करो। ठीक है, कैसे, जैसे स्टेट में सेंटर में जो बजट होता है उसका आर्टिकल 112 होता है। ठीक है, अभी 111 के बाद आया, अगर स्टेट का बजट निकालना है तो ये हो गया 202, आप जाके चेक कर लेना, 202 मिलेगा, मुझे ध्यान नहीं, बट स्टेट का बजट अगर आप चेक करोगे ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 202 मिलेगा। सीख ली एक नई ट्रिक, एलिमिनेशन भी सीख ली और जीएस की एक ट्रिक भी सीख ली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ वो चीज, सेंस, मतलब कि सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड सिखाता हूँ। यार एग्जाम में ना ये स्कीम आई थी नीट 3.0 मेरी शिफ्ट में, मेंस की 6 मार्च में, कि बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस इन जनवरी 2022, एंड आई विल टेल यू द रियलिटी, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, बट एक चीज देख ली थी कि ऑप्शन में ना एड और टेक दिया हुआ है, मतलब गैस वर्क कैसे काम करता है, तो या तो एजुकेशन है या टेक्नोलॉजी है। सोशल जस्टिस और लॉ एंड जस्टिस तो मैं कभी भी नहीं मारूंगा, मैंने देखते एलिमिनेट कर दिया अगर मुझे तुक्का लेना है। बचा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो या तो माइटी लेना था या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दो में कंफ्यूजन थी। बट एक चीज देखी कि
कि एजुकेशन से रिलेटेड है और 3.0 आया। देखो किसी भी स्कीम का 1.0 आता है तो कोई भी मिनिस्ट्री लॉन्च कर सकती है, कंफ्यूजन हो जाती है, बट किसी स्कीम का 3.0 आया, तीसरा वर्जन आया, इसका मतलब उस वो किसी कोर मिनिस्ट्री का डेडिकेटेड स्कीम होगा। मतलब समझ रहे हो, ऐसे किसी रैंडम मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं होगी, किसी मिनिस्ट्री की कोर डेडिकेटेड स्कीम होगी, तभी इसका 3.0 आया। मतलब वो इस चीज से लगातार जुड़े हुए हैं। तब मैंने गैस लिया था कि एडटेक एजुकेशन से रिलेटेड और 3.0 आया है तो एजुकेशन से ज्यादा रिलेटेड होगा, तो मैंने ये गैस वर्क मारा था। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैंने मारा था, तुक्का इन दो का एलिमिनेट करके, इन दोनों में से एक मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने कहा था कि भाई 3.0 आई है तो इसी का होगा, तो मैंने मारा और सही हो गया। मतलब देख रहे हो आप, ये चीजें आपको PYQ लगाओगे ना, जब आप क्वेश्चन करोगे, आप ऑप्शन को देखा करो। जो बच्चा क्वेश्चन को देखते ही सोच लेता ना आंसर, वो बहुत बड़ी गलती करता है। चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो, क्वेश्चन देखने के बाद चार ऑप्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन में अगर बजट का आर्टिकल पूछ लिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आपके माइंड में गलती से 112 की जगह अगर 110 आ गया ना, और 110 ऑप्शन में मिलेगा, आप मार दोगे और आपको बाद में रियलाइज होगा सिली मिस्टेक। इसलिए GS में हमेशा क्वेश्चन मार्क करने देख पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ा करो, 112 देखने के बाद चीजें स्ट्राइक करेंगी। तो ऑप्शन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, यही फर्क होता है यार। आप लोग सोच, आप मेरे से काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं भाई, मतलब ट्रिपल डिजिट रैंक और फोर डिजिट रैंक में क्या डिफरेंस होता है, यही छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस होता है, यही चीजें सोचनी होती है, यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटर ट्रूथ बता देता हूँ भाई GS को लेके, ये रियलिटी रहेगी। देखो यार GS में ना बच्चे क्या कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्कोर अचीव करने का, 25 के 25 सवाल के सोर्सेज ढूंढेंगे फिर उनको पढ़ेंगे। देखो GS में परफेक्शन नहीं होती, आपको परफेक्शन चाहिए तो आप मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में लेके आओ, वहां पे आप परफेक्शन ला सकते हो, फुल स्कोर ला सकते हो। बट GS में ना गुड स्कोर होता है, मेरा 54 है, मैं मानता हूँ इस बार 40 प्लस सारे गुड स्कोर हैं। देखो सारे गुड स्कोर थे, सबका अच्छा स्कोर माना जाता है GS में। तो होता क्या है, आप लोग ना 100% के चक्कर में ना कि GS में मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है अपना 80% भी खराब कर ले तो उस 20% को अचीव करने के चक्कर में, वर्क ऑन योर 80%, जो सोर्सेज बताएं स्टिक करो यार, स्टिक करो, इंप्रूवमेंट होगा, वही चीज़ काम करेगी, वही चीज़ सबके लिए काम कर रही है, वही आपके लिए काम करेगी। रिविजन इज द की, रिविजन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। अब यार वीडियो तो, मेरी वीडियोस तो 80,000 लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइबर सिर्फ 20K के अराउंड है, तो आप लोग चैनल से जुड़ो यार, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं मेंस तक ये फालतू कि भाई MEA लाइफ इन MEA ये सब नहीं डालने वाला आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ वही चीज़ डालूंगा जो चीज़ें रेलेवेंट है। और मैं तो आपको गलतियां दिखा रहा हूँ ना यार, आपको कोई नहीं दिखाएगा यार, कोई टॉपर कभी ये नहीं दिखाता किसी इंटरव्यू में कि उसने क्या गलती की, मैं तो आपको अपनी गलतियां दिखाता हूँ। मैंने मॉक एनालिसिस वाली वीडियो में अपने 120 नंबर आए वो भी दिखाया कि मेरे 120 नंबर भी आए थे मॉक्स में, और 160 भी आए और 180 भी आए। तो मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा यार, रियलिटी जब तक नहीं देखोगे ना तब तक भ्रम में रहोगे। अगर मैं आपको, आप ये बोल देता ना लूसेंट असाना याद कर लो, आप लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि यार हमारी कोई कमी रही होगी, विकास ने तो याद करी हमसे क्यों नहीं कर रही, बट मैं आपको रियलिटी दिखाई ना चीज़ें कितनी मुश्किल है कितनी आसान है। तो ये रियलिटी इस चैनल पर हमेशा दिखेगी आपको, मेरे चैनल पर सिर्फ 21 वीडियो है आज तक, हर एक वीडियो पे मैंने एक हफ्ता मेहनत की है, मतलब जॉब के साथ शाम को आके डेली देखना, रिसर्चेज करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब वो सब करना। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हो यार, फ्री तो है नहीं, पेड में तो आप यार कितने भी कोर्स ले रहे हो, कभी कोई हर जगह आप मतलब पेड लेने की कोशिश कर रहे हो बट फ्री की चीज़ की आप वैल्यू रियलाइज नहीं करते, बट मैं तो फ्री में ही दूंगा देखो हमेशा चीज़ें। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, वीडियो लाइक करने से ना वीडियो थोड़ी प्रमोट होती है, और कमेंट जरूर करना, मुझे ये बताना कि आपका GS में क्या स्टेटस चल रहा है एग्जैक्टली, कि अभी आपने कितने टॉपिक्स कर लिए हैं, कितने रह गए हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर थोड़ा उस हिसाब से। और वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा, ज्वाइन कर लो, मेरे नोट्स वगैरह सब कुछ पड़े, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो। तैयारी करते रहो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस लगे रहो, मेहनत करो, कंपटीशन बहुत है पर अपने को मेहनत करना है, मेहनत सबको बीट कर सकती है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।